दोस्तों नमस्कार, आज आपको एक ऐसी प्रजाति से अवगत कराने आया हूँ जो बहुत ही शुभ और जिसको आप घर पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि आम मान्यता है कि बांस का पेड़ की छाया भी घर पे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक कलश बांस ही ऐसा है, कलश बांस, जिसको आप घर पे लगा सकते हैं, जो अति शुभ है, शुभ कार्यों के लिए भी है और इसकी लंबाई भी काफ़ी 5 से 6 फीट तक जाती है। ये अति शुभ बांस का पेड़ होता है जो बहुत ही कम जगह उपलब्ध है। ये जो आप देख रहे हैं, जो उपलब्धता देख रहे हैं, ये रीवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर पर्यावरण विभाग के अंतर्गत ये कलश बांस का पेड़ है। आपको इस बांस के बारे में अधिक जानकारी, वाओ ऑसम, और आपको इस बांस के बारे में अधिक जानकारी श्री उपेंद्र सिंह जी देंगे, बघेल साहब देंगे, जो इसके रक्षक भी हैं और जिनको इनकी पूरी मेडिसिनल वैल्यू और क्यों शुभ है ये सारी जानकारी आपको देंगे। हाँ जी नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह बघेल हूँ। जी जी, रक्षक पद में पदस्थ हूँ। जी जी, ये हमारा कलश बांस है। जी, जो कलश बांस जैसे कलसे को सामने घर में रख के आदमी प्रवेश करता है जी जी शुभ कार्य में, ये उसी जी तरह हमारे कलश बांस का है जी। इसमें जैसे कलसा अकेले रखा जाता है, हाँ, उसी तरह से ये आपका पूरा देख रहे हैं। इसकी लंबाई जो है बहुत बड़ी नहीं होती है, ये 5-6 फुट का होता है। इसको अन्य काम में गंदे स्थान में नहीं रखना चाहिए। ये अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार इसमें शुभ माना जाता है। और इसका बेनिफिट है, जैसे आपको हमने एक दिन बताया था कि ये आपका वो पौधा जिससे बिजली नहीं गिरती है अपने, जी जी जी, उसी तरह से ये आपके जितने भी संकट हैं ये झेल लेता है आपके घर। वाह वाह, झंझट नहीं, मतलब ये पेड़ ऐसा है, ये पौधा ऐसा है, कलश बांस जिसको बोलते हैं, ये घर पे भी लगा सकते हैं। इससे पॉजिटिव, मतलब आपको पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, घर पे भी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, वास्तु दोष दूर होंगे और ये अति उत्तम पौधा है। मतलब जैसे कि पहले ही बताया गया है कि बांस का पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए, उसकी छाया भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कलश बांस ऐसा है जो घर पे लगाना, इसीलिए इसका नाम कलश है, इसीलिए इसका नाम कलश है, घर पे लगाना चाहिए, अति शुभ है, निगेटिव ऊर्जा को खींचता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली चमकती है नहीं, वो अगस्त का पौधा है जी, अगस्त का एक पौधा है। हाँ जी, जो वो उसको लगा लेने से जी बिजली जो आकाशीय बिजली है जी वहाँ पर आपका क्षति नहीं करेगा, वहाँ नहीं गिर सकती है जी जी, बिल्कुल गारंटेड है जी, मतलब वो बहुत शुभ होता है। और उसी तरह से ये भी हमारे निगेटिव पॉइंट को सब निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आपसे एक जानकारी चाहेंगे, कलश बांस जो है ये प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है भारतवर्ष में? भारतवर्ष में तो देखिए बहुत तो अपने को जानकारी नहीं है सर जी जी, मगर अपने यहाँ ये है और एक और तरह के, मतलब 5-6 तरह के अपने यहाँ बांस हैं। एक पीले रंग का है, ये मतलब 100 में आ सकता है, 100 देखा जा सकता है, मगर इसका कोई वो उपयोग बहुत, ये जो मैं नॉर्मल बांस की बात कर रहा था वो ये वाले बांस है, ये पीले बांस है, लेकिन इसको घर पे लगाने के लिए मान्यता नहीं है। कारण ये है, इसको घर पे क्यों नहीं लगाना चाहिए आप कहते हैं? इसको घर में इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि इसकी छाया जाएगी तो हमारे निगेटिव पॉइंट आएंगे। अच्छा, निगेटिव वास्तु के हिसाब से सही नहीं है? नहीं है जी। और इसके बाद जैसे ये इसकी जड़ जो है जी बहुत दूर तक, मतलब कम से कम इतनी दूर तक कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता है जी। बात 25-30 फुट तक आप चले जाइए तो खोद नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब इसका विज्ञान, अगर हम विज्ञान की बात करें, धर्म के अलावा विज्ञान की बात करें, तो इसको घर के पास इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इससे 25 से 30 फुट का एरिया जो होता है इसकी जड़ पकड़ लेती है, और जब जड़ पकड़ लेती है तो खोदना तक मुश्किल हो जाता है। उस आप देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको कोई भी अन्य पेड़ पनपता हुआ नहीं दिखेगा, केवल बांस का दिखेगा, लेकिन ऐसा ये कलश बांस के साथ नहीं है। कलश बांस का पेड़ लगा हुआ है और उसके बगल में
कई वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि कलश बांस की जड़ इतनी गहरी नहीं जाती। और ये पेड़ कितनी ऊंचाई तक जाता है? 5-6 फुट तक। 5-6 फुट तक जाता है। तो कलश बांस का पेड़ लगाइए और अपने घर को बहुत ही मनोरम और बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला है, क्योंकि एकदम पूरी तरह फैलता है और पूरा हरियाली लाता है और छाया भी अच्छा देता है, जिससे आपकी कार और आपके घर के अगल बगल छाया भी रहेगी। जी, छोटा पौधा है जी, ये भी मतलब वो रहता है, ज़्यादा इसके जड़े वड़े नहीं फैली हैं। जी जी, ये छोटा पौधा है। ये कौन सा है? ये करौंदा बोलते हैं। करौंदा छोटा, ये खाने के काम में आता है। जी जी, इसकी अचार भी बनाया। मतलब आप ये देखिए कि एक नॉर्मल जो पीला बांस है, जो नॉर्मल बांस है, उसके अगल बगल में कोई प्रजाति डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ इतनी पकड़ ली है। लेकिन कलश बांस के बगल में करौंदा का पेड़ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कलश बांस किसी भी पेड़ को डिस्टर्ब, किसी भी ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब बड़े दूर तक नहीं लेता। तो कलश बांस का बहुत ही फायदा है, बहुत ही शुभ कार्य के लिए, बहुत ही ऊर्जावान है, पॉजिटिव है। और इसको बहुत ही करीब से देखिए तो आपको लगेगा एक दूसरे के ऊपर कलशे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मतलब अगर जैसे आप इसका देखते हैं ना, गन्ने का, तो गन्ने का जैसे देखते हैं तो गन्ने में थोड़ी डिस्टेंस दूर रहती है, लेकिन इसमें डिस्टेंस बहुत पास है। एकदम इसको नाम ही दिया गया क्योंकि ये कलश नुमा बनता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। देख लीजिए, उसके बगल में बिल्कुल घास भी उगी है, उसके हाँ घास भी नहीं उग सकती है। मतलब इसका विज्ञान बहुत स्ट्रांग है कि इसके बगल में आपकी कोई भी घास भी उग सकती है, कोई किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और ये पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। पर्यावरण पारस पीपल है ये, जो कि औषधि का वो भी लगी हुई है। ये पारस पीपल कहलाता है, ये भी बड़ा शुभ पौधा होता है, औषधि के काम में आता है, बहुत तेजी से औषधि, बहुत सी औषधियों में लगता है। फिर ये आपका सल्लकर्णी करकट है जी। तो ये सल्लकर्णी करकट जो है तो आप से मतलब सेकंड क्लास की है। तो इसमें जो है सल्लकर्णी करकट में यदि कोई के घाव लग जाए तो इसको छू देने से मात्र से ठीक हो जाता है, मगर ये सेकंड क्लास की है, दूसरे नंबर की है। कोई भी प्रजाति 21 तरह की होती है, तो जिसमें दूसरे नंबर की है तो इतना इसका रिजल्ट नहीं रहता जो एक नंबर की होती है। मतलब जैसा कि हमने देख सुना था, ऐसे कहानियों में सुना था, जिसको हम कहानी मान रहे थे, वो आप सच बता रहे हैं कि ऐसे भी पौधे हैं कि अगर आपको कोई जख्म लग गया हो, या जैसे सैनिक वगैरह लड़ाई करते युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते, तो हम सुनते थे कि उन्होंने एक पत्ता छुआ और वो ठीक हो गए। आज पता चला कि ऐसे पत्ते हैं, ऐसी प्रजाति अवेलेबल है। आप ये देखिए क्या खूबसूरत और कितना मखमली है, कितना मखमली है ये पत्ता। और कहते हैं जैसा कि वन रक्षक उपेंद्र सिंह बघेल जी बता रहे हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसको मात्र छूने से जो जख्म है, जो भी घाव है, वो तुरंत भर जाता है। और जो हमने सुना था कि युद्ध के समय में कई ऐसी जड़ी बूटी होती थी जिसको मात्र रखने से बड़े बड़े मतलब वैद्य का काम करती थी, वो यही है। एक बार नाम फिर से बताइए। सल्लकर्णी करकट इसे कहते हैं। वाह, शल्य मतलब होगा सर्जरी, करनी मतलब सर्जरी को ठीक करने वाला। वाह, इसका नाम भी आयुर्वेद के हिसाब से शल्य करनी है। ये जो है तो यदि मान लीजिए हमारे घाव लगा हुआ जी, इसको लगा दिया हाँ, तो तत्काल ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। वाह वाह, जुड़ जाएगा, जो कि हम अस्पताल में जाते हैं तो कम से कम 1 माह लगेगा कितनी भी उसमें वो किया तो जाए। आप लोग इतनी तरीके की वैरायटी के पेड़ जड़ी बूटियां यहाँ पे रीवा अनुसंधान केंद्र में, रिसर्च सेंटर में डेवलप कर रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये तो दुबे साहब को जाएगा, दुबे साहब की देन है ये। जी हाँ जी, पीसी दुबे साहब जी जी, इसमें जी बहुत है। और हम इसका जो है जी, हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे हाँ जी, कि हम जो महंगी दवा करते हैं उसका साइड इफेक्ट है एलोपैथ का जी जी हाँ जी, मगर हमारे इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इससे जुड़े और पौधे से जुड़ने के बाद, पौधे चूंकि भगवान शिव का साक्षात रूप है और जगत जननी जगदम्मा माँ भवानी दुर्गा की वो है, तो इसलिए इससे जुड़े और ये खा के बिल्कुल स्वस्थ रहें
और इनका वो करें एक। अब पता चलता है आपकी बातों से और आपके विचारों से एकदम स्पष्ट पता चलता है कि सभी पेड़ों को भगवान के साथ क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये पेड़ स्वयं ही भगवान का रूप है। कारण ये कि इनके छूने मात्र से जख्म ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है, इनके छूने मात्र से आपके कई निगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। तो ये स्वयं ही, जैसे कहते हैं ना कि नेचर इज़ ओनली गॉड, मतलब प्रकृति ही भगवान है, क्योंकि प्रकृति ही जीवन या जनरेशन को चलाती है, प्रकृति ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अच्छी तरह से पालती है। ये प्रकृति ही है जो गॉड की भूमिका निभाती है। और ऐसे ऐसे पेड़ हैं इस अनुसंधान केंद्र में, इस रिसर्च सेंटर में, जो अकल्पनीय हैं, मतलब जिनको हमने देखा है, जिनको हमने वीडियो की है, जिनको हमने जाना है, जिनको हमने समझा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इन पेड़ों को परखो और इन पेड़ों से आप बेहतर से बेहतर लाभ ले सकते हैं। ऐसे पेड़ हैं जो एकदम हमारी विरासत से, हमारी संस्कृति से दूर हो गए, और ऐसे चमत्कारी पेड़ हैं। हम अक्सर कहानी में सुनते हैं, लेकिन कहानी का भी कोई आधार होता है, मतलब ये पेड़ वास्तव में थे और अभी भी हैं, बस इनका संरक्षण प्रॉपर वे पे चाहिए। अगर ये संरक्षण होता रहा, ये कहानी में नहीं, हम हकीकत में देख लेंगे कि कितनी भी मतलब घाव लग जाए, वो जैसा आपने बोला है, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जब तीर कमान चलते थे, युद्ध लड़ते थे, घाव लगाते थे और वो भर जाता तुरंत। तो नाम भी इसीलिए इस कारण है, शल्य करणी, मतलब ऐसा पेड़ जो आपका सर्जरी कर दे। वाह, क्या पेड़ है, जैसे अद्भुत, अद्वितीय। इसको हम क्या नाम दे, मतलब अगर हम इसको अंग्रेजी में नाम दे तो सर्जरी क्रिएटर, सर्जरी मेकर, सर्जरी मतलब शल्य, सर्जरी करनी मेकर। तो ऐसे पेड़ उपलब्ध हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आपने बांस का बताया, अति शुभ है, कलश बांस का पेड़ जो घर पे भी लगा सकते हैं, 6-7 फीट हाइट तक, कितने हाइट जाता है, 6-7 फीट, 6-7 फीट हाइट तक जाता, अच्छी गर्मी देता है। ये बहुत पुराना है अपने यहाँ का, वाह, मतलब कम से कम 20 वर्ष का होगा। देख लीजिए कि वो अपने शुभ, और ये बहुत वो भी नहीं रहता। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम पीसी जैन सर का देना चाहेंगे। जैन नहीं, दुबे साहब। अच्छा, हाँ, अरे एसपी जैन सर हैं और पीसी दुबे सर हैं। पीसी दुबे सर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अलग अलग प्रजाति की जड़ी बूटियों को मतलब पढ़ के, देन आयुर्वेद से निकाल के और उनको संरक्षित करने की कोशिश की। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ आपको बड़े मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। आप सामने से आइए, इस पेड़ को, इस पत्ती को आपको बड़े मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। इसका संरक्षण करना ही हमारा कर्तव्य है। ये ऐसे पेड़ हैं जिनको हम अपने करीब रखें और इनसे हम चिकित्सा का संपूर्ण लाभ लें। और आप क्या बोलना चाहेंगे अंतिम में? अंतिम में मैं एक इसी तरह दो पौधे और बताना चाहेंगे। एक अपने यहाँ चूंकि अभी उपलब्ध तो नहीं है, जैसे हम दवा खा के अपना पेट साफ करते हैं, तो उसी तरह से दो, एक चेतकी हर होती है, हर जानते होंगे, तो उसको चेतकी को देख लेने से, जैसे हम इस पौधे को देख रहे हैं, तो इतने में अपना पेट साफ हो जाता है। तो उसी तरह से वो चेतकी होती है, यहाँ नहीं है अभी। मतलब ऐसा पेड़ है कि जिसका ये बोल रहे हैं, अगर आप इसको एक विज्ञान की तरह समझेंगे तो देखने मात्र का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप उसके पास पहुँचेंगे, जब क्योंकि देखने के लिए आपको उसके पास आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, तो उसकी वाइब्रेशंस ऐसी, उसकी एनर्जी ऐसी है, और वो ऐसे ऐसे मतलब वातावरण में शुद्ध हवा छोड़ते हैं जिसको देखने मात्र से पेट साफ हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप उस वायु को जैसे ही आप ग्रहण करेंगे, मतलब अगर आप विज्ञान की दृष्टि समझे तो जैसे उस वायु ग्रहण करेंगे तो आप वैसे ही मतलब पुष्ट हो जाएंगे। हाँ, वैसे स्वस्थ हो जाएंगे। वाह वाह, एक स्पर्शी होती है जिसको छू देने से आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जी जी, जो कि हमको खाने से होता है। वाह वाह, मतलब अपने आयुर्वेद में भगवान शिव के द्वारा ये मिला है। जी, शुगर के मरीज के लिए सबसे बड़ी वो है कि उनका घाव नहीं ठीक हो रहा है, तो दहीमन का पत्ता, दहीमन के पत्ते को सेवन कर लें,
तो उनका घाव ठीक हो जाएगा। मतलब कहने के लगा दिया जाए, मतलब कहने का मतलब ये है दहीमन पेड़ के पत्ते जो डायबिटिक फ्रूट होता है, हाँ। जिसके लिए पैर तक काटना पड़ जाता है, हाथ पैर जहरीले हो जाते हैं, हाँ। उसमें मात्र आप आयुर्वेद चमत्कार का अगर आप देखें, हाँ। तो ऐसा चमत्कारी पेड़ है दहीमन, हाँ। जिसके पत्ते लगाने से आपका डायबिटिक फ्रूट, जिसका मात्र एक इलाज एलोपैथी में, है पैर काटना, हाँ। या उस चीज़ को नष्ट कर देना या ख़त्म कर देना, उसका भी इलाज है। मतलब जैसे कि मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि जैसे च्यवनप्राश, हाँ। च्यवन ऋषि थे, हाँ। जिन्होंने आंवले को लेके, हाँ। एक कम्बिनेशन मिक्सचर बनाया और जिस समय उन्होंने वो मिक्सचर बनाया वो जर्जर अवस्था में थे, मतलब वो वृद्ध हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। जब उन्होंने च्यवनप्राश नाम का ये विज्ञान हुआ करता था जो हम बात कर रहे हैं आज जितनी, तो जब च्यवनप्राश के उन्होंने, हाँ, च्यवनप्राश मतलब क्या होता है, एक मतलब मिक्स करके उन्होंने सब कुछ बनाया, उसके बाद जब वो बनाया तो वो युवावस्था में आ गए। मतलब उन्होंने आंवले का सेवन किया, आंवले के साथ उसमें और भी जड़ी बूटियां मिलाई और जाके उन्होंने जब वो सारा सेवन, च्यवनप्राश में, और जाके वो युवावस्था में आ गए। आज भी देखिए च्यवनप्राश हर कंपनी का आता है, बैद्यनाथ का भी, डाबर का भी, पतंजलि का भी, मतलब बता नहीं सकते कितनी वैरायटी च्यवनप्राश आते हैं। और च्यवनप्राश खाने से मतलब बच्चों की बोलते इम्यूनिटी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यह है च्यवनप्राश खाने से युवा रहता है, क्योंकि उसमें आंवला रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है वर्ल्ड का, तो आंवला रहता है तो एंटी कैंसरस और सारे एक्टिविटीज करता है। यदि मान लीजिए कि आप ज्यादा नहीं खा सकते हैं जी, च्यवनप्राश में ये भी डला रहता है, सबसे अधिक फायदेमंद होता है आंवला जी, आंवले को स्वयं अमृत फल बोला गया है, आंवला रहता है, शहद रहती है जी, और भस्में कुछ रहती हैं जी, जो कि यदि सही ढंग से ये चीज बनाई जाए, कंपनी वाले बनाए, ये पैसे के कारण कुछ थोड़ा सा कम बैसी कर देते हैं। यदि आप आंवला और ठंडा पानी आप फ्रिज का पानी ठंडा नहीं मान सकते हैं, साधारण पानी को हम ठंडा पानी मान लेते हैं, जैसे नदी से हम निकाल लें पानी पी सकते हैं, तो ये पानी जो है अमृत है, मगर फ्रिज में रख के इसका एनर्जी आपका घट जाता है। चलिए वो तो ठीक है, अभी हम पेड़ों की बात कर रहे थे, ऐसे चमत्कारी पेड़ है, एक पेड़ आपको बताया जो शल्य करनी है, जिसको छूने मात्र से सारे घाव सारे रोग दूर हो जाते हैं, दूसरा आपने बताया दहीमन जिस डायबिटिक फूट वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए अमृत है, आंवले का च्यवनप्राश सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए अमृत है, मात्र देखने से ही ब्लड प्रेशर के लिए। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। तो आयुर्वेद तो चमत्कार है, हम ये कहते हैं कि भगवान शिव मान के इसकी पूजा करें, पौधों को, पौधे का संरक्षण दें, हम खुशहाल रहेंगे और इसे अपनी दवा करें, दवा दोनों, ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, तो वृक्ष है तो सब कुछ है, क्योंकि वृक्ष है, हाँ। अगर आप कहीं पे वृक्ष लगा दीजिए तो वृक्ष है तो चिड़िया आएंगी, हाँ। चिड़िया आएंगी तो प्लांटेशंस अपने आप होगा, क्योंकि जो चिड़िया प्लांटेशंस करती है वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, प्लांटेशंस होगा जब वनस्पति डेवलप होगी तो कीड़े मकौड़े और सारे जानवर आएंगे, पूरा इको सिस्टम बनेगा, आपको अपने आप ही जंगल मिलेगा, सब आपके हाथ में है, आपको पेड़ तो लगाना ही लगाना है। और इस मानसून में जैसे उपेंद्र सिंह साहब बोल रहे हैं और विजय शंकर द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि वृक्षारोपण जरूर करिए, एक वृक्ष अपने लाइफ में लगाइए, अपने नाम का लगाइए, क्योंकि एक पेड़ सौ पुत्र समान, जैसा कि आपने बोला एक पेड़ सौ पुत्र समान, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप एक वर्ष में खुशहाल हो जाएंगे। वाह वाह, जैसे जैसे पेड़ की हरियाली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके घर की हरियाली बढ़ती जाएगी, आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कोई मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको मस्जिद जाते हैं तो फोटो की पूजा करते हैं, पौधे लगाने से हम स्वयं भगवान शिव को पास जा रहे हैं। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप अगली बार अगले पार्ट में भी हमें अच्छे वृक्ष ऐसे शल्य करनी वृक्ष जैसे वृक्षों की ऐसे अद्भुत जड़ी बूटियों की, अभी बहुत से पौधे हैं जो कि हम यहाँ लगा के, और यदि अब मुझे तो लगता है कि विश्वास नहीं है जी, तो आप परीक्षण करके नहीं, विश्वास क्यों नहीं होगा भाई, इतिहास गवाह है, संजीवनी बूटी क्या थी,
लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो एक ऐसी बूटी जो केवल हिमालय पर्वत में मिलती थी तो उस यहाँ भी है केवटी के प्रपात में सोमबल्ली है और संजीवनी भी है, दोनों का प्रमाण तो मिलता ऐसा है। प्रमाण जब हमारे शास्त्रों में है, कहानियों में, कथा में है, सभी जगह है, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी तभी कहानी बनी है। ये सारी चीज़ पुष्पक विमान था हाँ, तो कहानी नहीं थी हाँ, पुष्पक विमान था वो है, विज्ञान भी इसको विज्ञान, मान रहा है। विज्ञान मानेगा ही, विज्ञान क्यों नहीं मानेगा आप देखिए ना, अरे विज्ञान नहीं मानता तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आइए देखिए जांचिए परखिए और अगर हम गलत हो तो फिर हमें बोलिए, ये तो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र में कोई गलत जानकारी तो होगी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर जी, आपका भी और आपका भी, और आप वृक्षारोपण के लिए क्या बोलना चाहेंगे अंतिम संदेश? बस बघेल साहब ने जितना बोला सब जी ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।